ओके दोस्तों, इंडियन मार्केट में एक और 5G स्मार्टफोन की दस्तक होने ही वाली है। हाँ दोस्तों, सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, जो कि आपको 28 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी का M41 आपको 5G टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हो रहा है। तो ये जानकारी आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगी, जिसमें सैमसंग ने अपना एक टीजर जारी किया है, जिसमें उसने ये बताया कि ये स्मार्टफोन आपको 28 अप्रैल से देखने को मिल जाएगा। 28 अप्रैल को दोस्तों ये दोपहर 12 बजे स्मार्टफोन को सैमसंग लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, लॉन्च से पहले ही स्मार्टफोन की लीक से जरिए प्राइस को सामने आई थी, लेकिन ऑफिशियली तो अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। स्मार्टफोन की प्राइस जो लीक के जरिए सामने आ रही है, वो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तक देखने को मिल जाएगी, और बाकी जो ऑफिशियली इसकी प्राइस होने वाली है वो आपको 28 अप्रैल को ही पता लगेगी। दोस्तों, सैमसंग ने जो टीजर जारी किया है वो अमेजोन पर जारी किया है, इससे ये साफ पता लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको आने वाले टाइम में अमेजोन पर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, अमेजोन पर हुए टीजर से जारी हुई ये पता लगा है कि स्मार्टफोन में आपको कोलकॉम स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको 4GB की रैम भी देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 11 OS पर रन करता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, अमेजोन पे टीजर जारी करते ही ये भी सामने आ गया कि स्मार्टफोन का डिजाइन आपको कैसा देखने को मिलेगा, जो कि आपको बैक पे काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आता है। दोस्तों, डिजाइन से ये कंफर्म हो गया कि स्मार्टफोन में आपको बैक पे फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिल रहा है। इससे दोस्तों ये साफ हो जाता है कि स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा तो एमोलेड डिस्प्ले देना तो कंफर्म ही हो जाता है। दोस्तों, अगर पिछली रिपोर्ट्स की बात करें, जो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन जिस तरीके से लीक हुई थी, तो स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी, 8GB की रैम और 15V का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब अब लॉन्च के बाद ही कंफर्म होगा। अभी जो ये जितनी भी जानकारी है वो लीक के जरिए जानकारी सामने आई है। अभी कुछ ही जानकारी जो सैमसंग की तरफ से कंफर्म करी गई है, लेकिन जो बाकी लीक के जरिए जानकारी सामने आ रही है वो आपको लॉन्च के इवेंट के बाद ही पता लगेगी। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे किसी सैमसंग गैलेक्सी के स्मार्टफोन का जो आपको 5G कनेक्टिविटी दे देते? दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी का M42 5G स्मार्टफोन मार्केट में 28 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, और जल्दी ये स्मार्टफोन आपको सेल पे भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप सैमसंग गैलेक्सी के M42 की तरफ जाना पसंद करेंगे, या फिर आप किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे, जैसे कि आपको शाओमी का Mi 10i हो गया, या फिर रियलमी का X7 हो गया? ऐसे ही आपको काफ़ी स्मार्टफोन सस्ते में 5G टेक्नोलॉजी और बेहतर परफॉर्मेंस दे देते हैं। वैसे दोस्तों, हमारी लिस्ट में आप सस्ते में एक और 5G स्मार्टफोन आ जाता है, सैमसंग गैलेक्सी का M42। दोस्तों, देखते हैं मार्केट में कितना धूम मचाता है, या फिर ये पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।